जी भाई श्री, टीएस एलियट ने अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और उसमें एक पंक्ति आती है कि स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक टीडियस आर्ग्यूमेंट्स। अब ये पंक्ति गुलजार साहब को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि इसको अपनी जबान में कैसे लाया जाए। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जब गुलजार के स्तर का कोई कवि इंस्पायर होता है तो क्या कविता मिलती है, और इस दिल्ली में बैठकर गालिब को याद करना चाहता हूं। ये वक्त वो है जब गुलजार साहब फिल्म बना रहे थे गालिब पर, संजीव कुमार को कास्ट किया था गालिब के रोल में, और संजीव साहब का अवसान हो गया तो वो फिल्म अटक गई। इंदिरा जी का समय, दूरदर्शन घर घर पहुंचा, टीवी सीरियल्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, मिर्जा गालिब का प्रोडक्शन शुरू हुआ, नसीरुद्दीन को कास्ट किया गया, और उस सीरियल के लिए जब गालिब का इंट्रोडक्शन लिखने की बात आई तो गुलजार एलियट को वहां पे ले आए। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक टीडियस आर्ग्यूमेंट्स, पहली पंक्ति में गुलजार लिखते हैं, बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां। बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने ताल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके बूसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। ऐसी ही अंधेरी बेनूर सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। ये गालिब का पता है साहब, और ये एलियट से आया हुआ पता है। तो इसी पते पर आगे चलते हैं।